हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, जो सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसके लिए आधा किलो पालक लिया था, जिसको मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लिया है। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं। ये मैंने लहसुन लिए 7 से 8 कली, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए, मैंने कढ़ाई ली है। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और इसमें मैं तेल डाल लूँगी। देखिए, मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। आप चाहे रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हींग डालूंगी। ये 1 चुटकी हींग है। आधी चम्मच जीरा डालूंगी। हमारा जीरा तड़क चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने स्लाइस किए हुए प्याज थे वो डालूंगी। इसके साथ साथ ही मैं जो लहसुन थे वो डालूंगी, अदरक और हरी मिर्च, और इसको एक बार चला दूंगी। देखिए, हमारे प्याज पक चुके हैं। हम इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने टमाटर डाले हैं वो डाल दूंगी और कुछ बड़ी मूली अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर डालते ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है। आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं और इसे अच्छे से चला देंगे। देखिए, हमारे टमाटर प्याज पक चुके हैं। अब मैं गैस बंद कर दूँगी। देखिए, हमारे टमाटर प्याज जो मैंने पकाए थे वो ठंडे हो चुके हैं। अब मैं एक मिक्सी जग लूँगी और इसको मैं इसमें डाल लूँगी। देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। देखिए, मैंने मिक्सी को कुछ सेकंड के लिए चलाया था। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल लूँगी और एक बार फिर से चला के मिक्सी इसे घुमा लूँगी। देखिए, अब जो मैंने पालक उबाल के रखा था, अब मैं उसे मिक्सी में पीस लूँगी। मैं इसे अपने टमाटर प्याज के पेस्ट के साथ ही पीसूँगी। देखिए, मैंने अपने पालक का भी पेस्ट बना लिया है। अब मैंने कढ़ाई ली है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालूँगी। देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच घी ले लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और अब जो मैंने ये अपना पालक का पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी। अब मैं जो ये मिक्सी का जगह, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिला के अच्छे से चला दूँगी। देखिए, हमारे इसमें एक उबाल आ चुका है। अब जो ये मैंने पनीर काट के रखा है, अब मैं इसे डाल दूँगी और 1 मिनट के लिए इसे और पका लूँगी। देखिए, 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर क्रीम डालूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं। मैं क्रीम डाल रही हूँ। ये मैंने 1 चम्मच क्रीम ली है और अब मैं इसे भी अच्छे से मिला दूँगी। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चला दूँगी।
हमारी पालक पनीर की सब्जी बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे भी इसे खुश होके खाते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।